Today I am going to identify some ornamental plants which you may plant in the pot or in the bed for indoor decoration in the shed. These are the shady plants which love shade. छाए में लगाने वाले पौधे हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं. देखिएगा द फर्स्ट प्लांट इज पेडलेंथस वेरीगेटा. द लीव्स ऑफ हिच प्लांट आज वेरीगेटेड. इसमें सफ़ेद कलर के धब्बे हैं तो इसे वेरीगेटेड लीफ कहेंगे. बहुत खूबसूरत पौधा है. पॉट में लगाने को ये गमले में लगा हुआ है. इसको आप बहुत ईजी वे में केयर कर सकते हैं. बहुत अच्छा पौधा है. दूसरा पौधा है ये आप डिफिन बे किया. कितना सुंदर पौधा है देख सकते हैं आप. इसके बगल में ड्रेसिना लगा हुआ है. बोथ आर द इंडोर प्लांट. बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है इनको. दिस इज़ द फिलोडेंड्रान. बहुत अच्छा एक डंडे वगैरह में स्टेकिंग कर दी जाती है. बड़ा खूबसूरत पौधा लगता है. दिस इज़ द फिलोडेंड्रान एंड दिस इज़ द ड्रेसिना. ड्रेसिना इसकी कटिंग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं आप. ड्रेसिना है ये इंडोर प्लांट है. छाए में रखने हो इसके बगल में देख सकते हैं आप. सांग ऑफ इंडिया है ये. कितना सुअर प्लांट है. सांग ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इसके बगल में आप देख सकते हैं दिस इज़ द साइकस. साइकस बड़ा बढ़िया पौधा है. इसको धूप में लगाया जा सकता है. बहुत ही सुअर प्लांट है. फोलियज ल्यूब है. जो पत्ते पत्तियों की सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं उन्हें फोलियज प्लांट कहते हैं. और इसके बगल में आप ये देख सकते हैं अफ्रीकन मिल्क बुश. इसका बोटैनिकल नेम है साइनाडेनियम ग्रैंटी. बहुत खूबसूरत पौधा है ये. फोलियज ब्यूटी का ये भी आप देख सकते हैं. इसके लेदरी लीव्स हैं. लेदरी लीव्स जो है चमड़े की बहुत ही सुंदर और बहुत ही लेदर की तरफ लेदर की तरह लीव्स हैं. बड़ा खूबसूरत पौधा है. नेक्स्ट दिस प्लांट इज दिस इज द आल्सो इंडोर प्लांट. दिस नेम इज कोल्डी लाइन फ्रूट इकोसा. इंडोर प्लांट. दिस इज द आल्सो इंडोर प्लांट एंड नेक्स्ट इज दिस. बहुत खूबसूरत पौधा है. पीलिया माइक्रोफोला फोला और रॉक वीट. देखिए कितना खूबसूरत पौधा है. बहुत ही अच्छा प्लांट है. नेक्स्ट दिस इज द डिफिनबेकिया. दिस इज आल्सो स्पीसीज ऑफ डिफिनबेकिया यूमिस. सुअर प्लांट है. इसको आप इंडोर प्लांट के रूप में लगा सकते हैं छाए में. एंड दिस प्लांट इज कोलियस. देखिए पत्तियों की सुंदरता के लिए लगाया जाता है. दिस इज द कोलियस एंड दिस इज द ब्रायोफाइलम और पत्थर चता. ये बहुत ही बढ़िया पौधा है. इसका मेडिसिनल यूज है. जैसे बवासीर में आप इसकी पत्तियों को का रस निकाल करके अगर दो तीन बार दिन में काली मिर्च डाल करके उसमें लें तो आपका निश्चित रूप से बवासीर 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा. इसके अलावा अगर आपके पेट में कहीं पे पथरी है तो इसका पत्ता सो वासी मुँह खा ले सकते हैं और 15-20 दिन में आपकी पथरी भी निकल सकती है. तो इस प्रकार से दिस इज़ द वेरी गुड मेडिसिनल प्लांट. एंड नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं दिस इज़ द अगेव. दिस इज़ द स्पीसीज ऑफ अगेव हैविंग वेरीगेटेड लीव्स. ये इसको टी प्लांट भी कहते हैं. और इसका बोटैनिकली दिस इज नोन एज कोल्डी लाइन फ्रूट इकोसा. दिस इज बोटैनिकल नेम क्रूसी कोल्डी लाइन फ्रूट इकोसा एंड आल्सो नोन एज टी प्लांट. पीलिया मस्कोसा. दिस इज आल्सो सुटेबल फॉर हैंगिंग बास्केट. लटकती हुई टोकरियों के लिए बहुत ही खूबसूरत पौधा है पीलिया मस्कोसा. ये है आपका. आप देख सकते हैं इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ बड़ी खूबसूरत लगती हैं जब हैंगिंग बास्केट में लगाई जाती हैं. नेक्स्ट दिस इज आल्सो ड्रेसिना. सांग ऑफ इंडिया एंड दिस इज द कैप्टस. CAPTUS कैप्टस प्लांट ऑफ फोलियज ब्यूटी. ये फोलियज ब्यूटी के लिए लगाया जाता है. दिस इज द आल्सो कोलियस. कोलियस रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं छाए में लगाने के लिए. बड़ा खूबसूरत पौधा है. एंड दिस इज द जेब्रिना पेंडुला. ये दिस इज आल्सो स्वेल बिकॉज दिस देयर लीव्स इज लाइक जेब्रिना. दैट्स वाई दिस नोन जेब्रिना पेंडुला. वेरी सुटेबल प्लांट फॉर हैंगिंग बास्केट. एंड दिस प्लांट इज क्रोटन आर ऑर्नामेंटल मैंगो. दिस इज आल्सो नोन एज ऑर्नामेंटल मैंगो आर क्रोटन.
बोटैनिकल नॉइज कोडियम वेरीगेटम, दिस इज ऑल्सो इंडोर प्लांट, बहुत अच्छा खूबसूरत इंडोर प्लांट है, आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो स्पीसीज ऑफ कोडियम वेरीगेटम और क्रोटन। दिस इज अरेलिया, वेरी सुटेबल प्लांट फॉर शेडी प्लेसेस, छायेदार पौधों के लिए, छायेदार स्थानों के लिए बड़ा ही खूबसूरत पौधा है, आप देख सकते हैं। दिस इज सिम्बिडियम, बोटैनिकल नोन एज बोट ऑर्किड, दिस इज नोन एज बोट ऑर्किड, बिलोंग टू फैमिली ऑर्किडेसी, दिस इज ऑल्सो फोलियज प्लांट। दिस इज द विंका रोजिया, सदाबहार जिसे आप कहते हैं, वेरी मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत अधिक है, भाई माउथ कैंसर, माउथ कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, हैविंग वेरी मच मेडिसिनल वैल्यू। दिस इज द सक्रेसिया परपुरिया, दिस इज ऑल्सो फॉर हैंगिंग बास्केट प्लांट, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। नेक्स्ट, दिस इज द जस्माइनम ग्रैंडिफ्लोरम, ये क्लाइंबर जैस्माइन है, बहुत अच्छा इसमें आयल निकलता है, आयल आप लोग, और बहुत ही स्वीट सेंटर फ्लावर होता है, जाड़े के दिनों में फूलता है, तो ये है जस्माइनम ग्रैंडिफ्लोरम, या इसको चमेली कहते हैं। नेक्स्ट, दिस आल्सो क्रोटन, कोडियम वेरीगेटम डेसिना, ये श्यामा तुलसी आप लोग देख सकते हैं, घर में लगाने के लिए बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, इससे काफ़ी शुभ कार्यों में भी काम आता है। नेक्स्ट, दिस इज द आंवला, फाइलेंथस एम्ब्लिका, घर में लगाने के लिए बड़ा खूबसूरत पौधा है, और इसको भगवान कृष्ण का इसमें वो रहता है, तो इसको बहुत ही रिलीजियस धार्मिक महत्व का, हैविंग रिलीजियस इम्पॉर्टेंट धार्मिक महत्व का पौधा है, इसको आप लोग घर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द कोचिया, दिस इज द फोलियज एनुअल प्लांट, पत्तियों खूबसूरत के लिए उगाया सकता है, और समर एनुअल प्लांट है ये, को पत्तियों की सुंदरता के लिए फरवरी मार्च में लगाया जा सकता है, और पूरे गर्मी इसका लुफ्त लिया जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत पौधा है कोचिया। दिस इज द अगेव प्लांट, ऑल्सो नोन एज सेंचुरी प्लांट, क्योंकि ये 100 वर्षों तक रहता है इसी तरह कंडीशन में, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, आप देख सकते हैं अगेव प्लांट, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही खूबसूरत पौधा है, आप लोग सकते हैं। दिस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, रोज, सिंबल ऑफ ब्यूटी, वैलेंटाइन डे वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये रोज है, रोज को आप गमले में लगा सकते हैं, और गमले के नीचे अगर केले के छिलके इसके मिट्टी के नीचे दबा दिए जाएँ तो बहुत अच्छा पोटेशियम इसको मिलता है, बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग होती है। रोज का विशेष महत्व है कट फ्लावर के लिए, द कट फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स हु मेंटेन देयर फ्रेशनेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द मदर प्लांट, मात्र पौधे से काटने के बाद जब अपने ताजगी को, जो पौधा जो फ्लावर ज़्यादा समय तक मेंटेन रखता है उसे हम कट फ्लावर की संज्ञा देते हैं, तो कट फ्लावर के रूप में ये बहुत अधिक जो होता है। दिस इज द बेल ईगल मार्मेलोस, बिलोंग टू फैमिली रूटेसी, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है, एंटी प्लेग्रा फ्रूट इसे कहते हैं, एक बीमारी होती है व्यक्तियों में जिसमें रील की हड्डी वगैरह दर्द करती है, तो इसको एंटी प्लेग्रा फ्रूट कहते हैं, अगर आप इसको यूज करें तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा, प्लेग्रा फ्रूट एंटी टू प्लेग्रा डिजीज। नेक्स्ट, दिस इज द अकौर आक, इसको घर में लगाया जाता है, ऐसी मानता है कि इसको 11 साल बाद इसके जड़ में गणेश भगवान की आकृति बन जाती है, तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है घर में लगाने के लिए, आप लोग ला कर आ सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द समी, समी का पौधा भी बहुत शुभ माना जाता है घर में लगाने के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं, समी का प्लांट है ये। दिस इज द पाम, पाम बहुत ही सुअर प्लांट है, इंडोर प्लांट है, एंड दिस इज द फाइकस बेंजामिना, वेरी सुटेबल फॉर बुंजाई मेकिंग, बुंजाई मेकिंग, बुंजाई द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द पार्ट इन मिनिएचर फार्म, एंड जम्बिल टू ह्यूग टाइप प्लांट विच आर फाउंड इन नेचर, दैट्स आर नोन एज बोंजाई प्लांट। जब हम पौधों को बौने रूप में घरों में बड़े पौधों को गमले में उगाते हैं छोटे आकार में, तो इसे उस टेक्निक को बोंजाई कहते, और ये मीठी नीम का पौधा है, आप लोग जान सकते हैं इसके खा मीठी नीम का प्रयोग दाल छिड़कने वगैरह में किया जाता है, बहुत ही सुअर प्लांट है, और इसको बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट, मनी प्लांट, आप लोग देख सकते हैं ये मनी प्लांट है, इस प्रकार से मैंने आपको कुछ पौधे के नाम आप इनको पहचानिए, क्योंकि पहचानने से होता ये है कि जब आप किसी पौधे के नाम लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। दिस इज द
कनेर थीवेटिया नेरिफोलिया इसके येलो फ्लावर होते हैं जो कि यू कैन प्रेजेंट द गॉड एंड गॉडलेस देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए बड़ा खूबसूरत पौधा है। आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द थीवेटिया नेरिफोलिया और कनेर।